हेलो मैकेनिक भाइयों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है TVS XL 100 BS6 FI वाली वेरिएंट है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी जो है ना प्रॉब्लम कर रही है। सारे चीज़ों को मैंने ओपन कर दिया, सिर्फ के सिर्फ फ्यूल टैंक को इसके फ्यूल के लिए ऊपर लटका के रखा हुआ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कर रही है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे जो है आप सभी मैकेनिक भाइयों डेली लाइफ में जो है रेगुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। देखिए गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाती है, बट जैसे थ्रोटल खींचते हैं गाड़ी ऑटोमेटिक बंद। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, आज की इस वीडियो में 5 ऐसे कारण बताएंगे जिसके वजह से आपकी TVS की जो मोपेड गाड़ी है ये स्टार्ट तो हो जाती है बट जैसे ही थ्रोटल को खींचते हैं गाड़ी बंद हो जाती है। क्या क्या चीज चेक करना चाहिए उसको बताने से पहले चलिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम हमारी गाड़ी करती है और कैसे सोल्यूशन निकालना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताएंगे और एक और दो पॉइंट को कवर करने वाले नहीं है, 5 पॉइंट को कवर करेंगे और उस 5 पॉइंट में से एक चीज आपका खराब हो सकता है जिससे आपकी गाड़ी जो है पिकअप ड्रॉप करती है और गाड़ी थ्रोटल देने के बाद बंद होती है। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं कैसे गाड़ी प्रॉब्लम करती है। तो इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से पहले चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से गाड़ी प्रॉब्लम करती है। इग्निशन को ऑन कर दिया, अब इसके सेल्फ का हम उपयोग करेंगे, तो अभी सेल्फ नहीं ले रही है, चलिए फिर से उपयोग करते हैं। देखिए गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई बट कुछ ही समय में ऑटोमेटिकली बंद। फिर से इग्निशन ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं, ये देखिए यही होती है एक बड़ी समस्या कि कभी स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे थ्रोटल देते हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और इसके रिलेटेड काफी सारे मैकेनिक भाइयों के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम होता कहां से। तो एक या दो रीजन इसके अंदर है नहीं, 5 ऐसे रीजन है जो ये प्रॉब्लम आपको फेस करवा सकते हैं। चलिए एक एक स्टेप बताते हैं कि कहां कहां से प्रॉब्लम हो सकता है ये। तो देखिए सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो इसके ECM के डिल्ट यानी बेंड हो जाने से, लेफ्ट या राइट झुक जाने की वजह से होता है। पहला रीजन, आप जब भी आपकी गाड़ी जो है पिकअप का प्रॉब्लम ले, जैसे थ्रोटल दें गाड़ी बंद हो, तो ये देखना है कि ये देखिए ECM जो है काफी लूज होता है, तो कभी क्या होता है कि ये इस तरह से लेफ्ट के ओर झुक जाता है या फिर कभी क्या होता है कि ये राइट के ओर झुक जाता है। और क्या है कि इसके अंदर कंपनी रिकमेंडेड बैंक एंगल सेंसर इसी के अंदर दिया हुआ है, जब भी गाड़ी जो है लेफ्ट या राइट झुकती है तो इसके ECM ही कंप्लीट गाड़ी को ऑफ कर देती है। तो सबसे पहले क्या चीज आपको देखना है पहले स्टेप में कि हमारा ECM जो है वो 90 डिग्री पे परफेक्ट इस तरह से एकदम स्ट्रेट में है या नहीं। अगर इसी से रेगुलर प्रॉब्लम हो रहा है और इसी से सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं तो कोशिश करें इसके बैक साइड के ऊपर फेविक्विक का यूज करके इसको एक जगह पे फिक्स कर देना है। यानी ये चीज देखना सबसे फर्स्ट स्टेप में कि ECM जो है परफेक्ट स्ट्रेट में है या नहीं, एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से ये लगा हुआ है या नहीं, ये कभी लेफ्ट या राइट बेंड तो नहीं है, सबसे पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या चेक करना है चलिए बताते हैं। तो देखिए दूसरा जो रीजन होता है वो होता है इंजेक्टर का, या तो इंजेक्टर जो है प्रॉपर तरीके से फ्यूल का छिड़काव नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसके हॉल्स ब्लॉक हो सकते हैं या फिर जो है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से सिग्नल के लिए जो है वायरिंग का कहीं से कट हो, या फिर इसके अंदर जो वर्किंग के 12 वोल्ट की सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा हो। कैसे चेक करना है? सबसे पहले आपको इस वाले कपलर को ओपन करना है, इसका फ्यूल टैंक नीचे आ चुका है क्योंकि गाड़ी में परेशानी काफी बड़ी थी चेक कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है इस वाले जो ऑरेंज वाला वायर है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है इग्निशन ऑन करने के बाद कि 12 वोल्ट की इसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं इंजेक्टर को वर्क करने के लिए। तो एक जो वायर है इसका पॉजिटिव टर्मिनल वो इसके इस पॉजिटिव टर्मिनल पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसका नेगेटिव हम कहीं से बॉडी अर्थ इसके अंदर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्या देखना चाहिए आपको कि 12 वोल्ट इसके वर्किंग के लिए आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं, किसके वर्किंग के लिए? इंजेक्टर के लिए। तो देखिए 12 वोल्ट इसके इंजेक्टर के वर्किंग के लिए आ रहा है। अब इसके बाद ये चेक कर लेना है कि हमारी गाड़ी जब हम जैसे सेल्फ या किक का उपयोग करते हैं तो इंजेक्टर छिड़काव कर रहा है या नहीं। तो चलिए इस 8mm के बोल्ट को ओपन करते हैं और इंजेक्टर के छिड़काव को चेक करते हैं कि छिड़काव हमारी गाड़ी जो है वो दे रही है या नहीं इसके कंप्लीट हेड वाले एरिया में। तो इसका इंजेक्टर कंडीशन देखें क्या हाल इसका बना हुआ है और इसका हम अंदर का कंडीशन दिखाते हैं। इसको WD-40 या थ्रोटल बॉडी क्लीनर का भी यूज करेंगे। अभी इसका कनेक्शन हटा लेते हैं क्योंकि ये भी आपको दिखाने वाले हैं अंदर का कंडीशन, काफी कंडीशन खराब हो चुका है। तो ये इसका इंजेक्टर का अंदर वाला एरिया है और देखिए कितना खराबी है इसके अंदर। और ये देखिए अभी इसके इंजेक्टर का रस्टिंग आपको दिखाते हैं, ये देखिए
तो पिकअप का प्रॉब्लम आए तो क्या रीजन हो सकता है? इसका इंजेक्टर भी डर्टी हो सकता है, इसके हॉल ब्लॉक हो सकते हैं या ये फॉल्टी हो सकता है। चलिए आप देखते हैं कि हमारी गाड़ी फ्यूल का छिड़काव करती है या नहीं करती है। तो दोस्तों आप छिड़काव यहाँ पे आपको दिखाएंगे सेल्फ का उपयोग करने के बाद। चलिए सेल्फ उपयोग कीजिए। उपयोग कीजिए बस। तो देखिए काफी ज्यादा डर्टी होने के बाद भी ये देखें इसका जो है फ्यूल का छिड़काव काफी अच्छी तरह से कर रहा है। तो पहला स्टेप ईसीयू, दूसरा इसके इंजेक्टर, तीसरा इसका जो है टीपीएस सेंसर, फिर इसका जो है चौथा थर्मल सेंसर और पांचवा इसके सीक्रेट फिल्टर के ओर जाएंगे। तो दो रीजन के बारे में आपको इजीली पता चल गया होगा। तीसरा जो एक रीजन होता है वो होता है सीक्रेट फिल्टर, जिसके बारे में काफी सारे मैकेनिक भाइयों को पता नहीं होता है। तो देखिए ये जो पाइपलाइन है वो इसके फ्यूल टैंक से आता है इसके पंप को फ्यूल देने के लिए, और ये इसका आउटलाइन है, जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो इसके थ्रू टैंक में चला जाता है। तो ये जो पाइपलाइन जैसे ओपन कीजिएगा तो इसके अंदर जो है फ्यूल को क्लीन करने के लिए एक सीक्रेट फिल्टर लगा होता है। फ्यूल फिल्टर भी आप उसे बोल सकते हैं। सीक्रेट इसलिए है क्योंकि वो एकदम जो है ना दिखने वाले जगह पे नहीं है। तो चलिए इस पाइपलाइन को हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं सीक्रेट फिल्टर कहाँ पे होता है। अभी पेट्रोल निकलने वाला है इसलिए मैंने इसे प्रेस करके रखा हुआ। ये देखिए ये जो आप चीज देख रहे हैं ये है इसका सीक्रेट फिल्टर जो इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसका भी एक अहम रोल होता है कि जब भी आपकी गाड़ी थ्रोटल देने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो तो इस जगह पे देखें कि एक सीक्रेट फिल्टर जो लगा हुआ है वो क्लीन है या उसके अंदर डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं। तीसरा पॉइंट आप नोट करके रखें। तो तीन चीजें हो गई। दो जो चीजें हैं जिसके अंदर जो है गाड़ी थ्रोटल देने के बाद स्टार्ट हो जाती है और फिर बंद हो जाती है, तो उसके लिए आपको जो है दो सेंसर्स को चेक करना है। चलिए दिखाते हैं कैसे चेक करना है। तो चौथे नंबर में जो पिकअप का प्रॉब्लम करवाता है वो है टीपीएस सेंसर यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये जब भी खराब होता है तो ईसीएम को पता नहीं चल पाता है कि थ्रोटल कितना खुला हुआ है और उस हिसाब से फ्यूल का छिड़काव नहीं हो पाता है। अब जब इसके टीपीएस से इसके ईसीएम को सिग्नल मिलेगा ही नहीं कि कब कितना फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए, जब थ्रोटल रिस्पॉन्स पता चलेगा ही नहीं, तो गाड़ी हमारे थ्रोटल देने के बाद कोई रिस्पॉन्स दिए हुए और गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हम कर क्या सकते हैं? तो उस कंडीशन में इसके अंदर आने वाले वोल्टेज की टेस्टिंग कर सकते हैं, इसके अंदर WD-40 स्प्रे का भी उपयोग कर सकते हैं और सेंसर्स को ओपन करके और इसकी क्लीनिंग करके फिर से उपयोग में ला सकते हैं, या फिर पूरी थ्रोटल बॉडी का क्लीनिंग अगर कर दें तो उससे आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। तो चौथे नंबर में आपने क्या देखा, टीपीएस सेंसर भी खराब होने से या इसके सिग्नल ना मिलने से आपकी गाड़ी में थ्रोटल रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम मिल सकता है। पांचवा और आखिरी जो सेंसर होता है जिससे आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो है आपका थर्मल सेंसर। जी हाँ, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि हमारी गाड़ी का अभी इंजन कितना हीट है, कब कितना फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए या ईसीएम को कितना सिग्नल मिलना चाहिए, वो ये डिटेक्ट करके नहीं बताएगा और उस कंडीशन में आपको ज्यादातर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारी गाड़ी में जो है थर्मल सेंसर को कैसे चेक किया जाए? तो देखिए इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कैसे इसको टेस्टिंग किया जाए। वैसे बहुत सारे डिफरेंट वीडियो बना के रखे हैं थर्मल सेंसर टेस्टिंग का। अब ये है इसका थर्मल सेंसर का कपलर और इसे चेक करने के लिए हम 20 के ओहम पे इसे हम सेट करेंगे और पिन 1 और पिन 2 पे दोनों पे लगाएंगे और रीडिंग जो दिखेगा 3 ओहम से लेकर 14 यानी 14 ओहम तक यहाँ पे आपको रीडिंग देखने को मिल सकता है। 3 ओहम से कितना 14 ओहम तक आपको रीडिंग देखने को मिलेगा और जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे इंजन हीट होगा वैसे वैसे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको रीडिंग क्या देखने को मिल रहा है 16 ओहम का। अभी इंजन जो है कोल्ड कंडीशन में पड़ा हुआ, इसलिए जैसे जैसे गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर जो है जिस तरह से इसका तापमान बढ़ता चला जाएगा तो रीडिंग में फ्लक्चुएशन आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। टेस्टिंग का अलग से वीडियो बनाए हैं इसलिए आपका इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताने वाले थे जिसके वजह से आपकी गाड़ी में जो है थ्रोटल रिस्पॉन्स न मिलने का रीजन था। पहला ईसीएम, दूसरा इंजेक्टर, तीसरा सीक्रेट फिल्टर, चौथा टीपीएस सेंसर और पांचवा इसके थर्मल सेंसर। अगर 5 इन चीजों को आपने चेक कर लिया तो आपकी गाड़ी में जो थ्रोटल खींचने के बाद गाड़ी बंद होती है वो सारा का सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया हो। Thank you.